दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। सरकारी कर्मचारी 58-60 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं देने के बाद पेंशन के काबिल बनते हैं, सभी को पता है। लेकिन विधायक साहबान शपथ लेने के तुरंत बाद ही पेंशन लेने के हकदार हो जाते हैं, और एक बार शपथ हो गई तो उसके बाद उनकी पेंशन जो है तमाम उम्र के लिए पक्की हो जाती है। और मृत्यु हो भी जाए तो विधवा या उनके माइनर बच्चे को पेंशन मिलती है। दूसरी बार विधायक बनने पे हर साल 1,000 रुपए की दर से पेंशन में वृद्धि हो जाती है। हर साल हुए संशोधन के बाद अब विधायक की जाने के बाद किसी भी एमएलए की करीब 78,000 रुपए की पेंशन लग जाएगी। और ये भी मजेदार है कि दुनिया के अनेक देशों में जनप्रतिनिधियों को वेतन और सुविधाएं मिलती हैं, हालांकि वो इसे खुद तय नहीं करते, बल्कि इसे तय करने के का जो अधिकार है वो दूसरी संस्थाओं को रहता है। इसके लिए उम्र और सेवा की सीमा तय है। लेकिन भारत में सांसद और विधायकों की सुविधाओं के संबंध में संसद और विधानसभाएं ही फैसला लेती हैं। ये बात मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व विधायकों की पेंशन के फार्मूले में बदलाव की घोषणा की है। अब तक पंजाब में हर कार्यकाल के बाद पेंशन बढ़ती रही है, इससे सरकार के खजाने पे काफी बोझ बढ़ता है। नई सरकार, नए फैसले, लेकिन एक मोटे तौर पे अगर देखें, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो नेता हो, ये बात तो तय है कि सरकार के ऊपर उतना सैलरी का बोझ नहीं है इस समय जितना कि पेंशन का बोझ है। खैर, चलिए देखते हैं कि कुछ और राज्यों में पेंशन की क्या व्यवस्था है, कितनी और कैसे मिलती है विधायकों को पेंशन। अब पेंशन में बदलाव शुरू हुआ तो हम बात पंजाब से शुरू करते हैं क्योंकि वहीं के सीएम ने ये बात शुरू की है। पंजाब में पूर्व विधायकों को इसलिए ज्यादा पेंशन मिलती थी क्योंकि 26 अक्टूबर 2016 में पंजाब में पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में संशोधन किया गया था। इसके तहत पूर्व विधायकों को उनके पहले कार्यकाल के लिए पेंशन के रूप में 15,000 रुपये और इसके अगले कार्यकाल के लिए 10,000 रुपये का प्रावधान किया गया था। इस रकम में पहले 50% डीएम मर्ज होगा और उसके बाद बनने वाली जो टोटल रकम है उसमें फिर से 234% महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा। इस तरह से पूर्व विधायकों को काफी फायदा हुआ क्योंकि इससे 15,000 प्लस 50% डीए प्लस 7,500 रुपए और जुड़ने से टोटल जो अमाउंट बनता है वो 22,500 रुपए का बनता है। और अब 22,500 में 234% डीए यानी के लगभग 52,650 रुपए और जुड़ने से कुल पेंशन जो है वो 75,150 रुपए पेंशन बन जाती है। इसी नियम के चलते कई नेताओं को 5,00,000 रुपए तक की पेंशन भी मिल रही थी। अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने 11 बार विधायक का चुनाव लड़ा, वो जीते और ऐसे में उन्हें लगभग 5,76,000 रुपए की पेंशन मिलती थी। हालांकि इस बार उन्होंने चुनाव में हार जाने के बाद अपनी पेंशन नहीं लेने का ऐलान किया था। अब मैं बात करती हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सेक्शन 6A के तहत मध्य प्रदेश में पूर्व विधायकों की हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन मिलती है। ये सुविधा हर पूर्व विधायक को मिलती है, चाहे उसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो या नहीं। उपचुनाव जीत करके कार्यकाल पूरा ना कर पाने वालों को भी 20,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है। 5 साल से ज्यादा विधायक रहने वालों की पेंशन में हर साल 800 रुपए जुड़ जाते हैं। 800 रुपए हर महीने के हिसाब से जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दोबारा विधायक बना और उस दौरान जितने साल विधायक रहा तो 20,000 रुपए प्रति माह की पेंशन के अलावा हर साल उसकी पेंशन में 800 रुपए एक्स्ट्रा जो है उसको मिलते हैं, यानी कि सालाना 9,600 रुपए और उसकी पेंशन में और जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने
दो अपना टेन्योर पूरे किए हैं तो उसे 24,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। और साथ ही इसके फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। पूर्व विधायक की मृत्यु की तारीख से उसके पति या पत्नी या उसके जो भी आश्रित हैं, जो भी उनके अगर बच्चे भी उस लायक हैं, तो उन्हें हर महीने 18,000 रुपये की फैमिली पेंशन भी मिलेगी। हर साल फैमिली पेंशन में 500 रुपये जुड़ जाएंगे। पूर्व विधायकों को हर महीने 15,000 रुपये का मेडिकल भत्ता और राज्य सरकार द्वारा संचालित हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। और वहीं पे उनको जो हकदार है पेंशन के, उन सभी पूर्व विधायकों को अपनी पत्नी, पति या एक अटेंडेंट के साथ रेलवे में फर्स्ट एसी या सेकेंड एसी कोच में यात्रा के लिए कूपन मिलते हैं। इस रेलवे कूपन से वो राज्य भर में बिना रोक टोक कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी जाने के लिए वो आजाद हैं। राज्य के बाहर हर फाइनेंशियल ईयर में 4,000 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री होती है। यदि किसी विधायक ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उसे हर महीने 35,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं। अगर कोई दूसरी बार विधायक बनता है तो अपना 5 साल का कार्यकाल वो पूरा कर लेता है तो इन 5 सालों के दौरान हर महीने के हिसाब से 1,600 रुपये जो है और मिलेंगे। यानी कि 2 कार्यकाल में पूरा करने के बाद उसे हर महीने 43,000 रुपये मिलने लगेंगे। वहीं 70 वर्ष की उम्र होने पर इसमें 20% की और एड ऑन हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी। और 80 वर्ष का होने पे ये पेंशन जो है 30% और बढ़ जाएगी। उपचुनाव में जीते विधायकों को उनकी शपथ लेने की तारीख से विधानसभा खत्म होने के पीरियड तक 5 साल मान करके पेंशन दी जाएगी। और फैमिली पेंशन की अगर बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को वही पेंशन मिलेगी जो पूर्व विधायक को मिलती रही है। अब मैं बात करती हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा पूर्व विधायक हैं और पूर्व विधायकों में उन लोगों को हर महीने 25,000 रुपये की पेंशन मिलती है। 5 साल का टेन्योर पूरा करने वाले विधायकों की पेंशन में हर साल 2,000 रुपये की वृद्धि होती है, यदि कि उसमें एड ऑन हो जाता है। यानी 10 साल विधायक रहने वालों को हर महीने 35,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इस तरह 15 साल विधायक रहने वालों को हर महीने 45,000 रुपये की पेंशन मिलती है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी विधायक हैं जो 15 साल तक विधायक रहे हैं। 20 साल विधायक रहने वालों को हर महीने 55,000 रुपये की पेंशन मिलती है। और विधानसभा और विधान परिषद के जो मेंबर रह चुके लोग हैं, यानी कि एमएलए और एमएलसी को मिलने वाले पेंशन और सुविधाएं एक जैसी ही होती हैं। पूर्व विधायकों को सालाना 1,00,000 रुपये का रेल कूपन मिलता है। इसमें 50,000 रुपये निजी वाहन के डीजल के पेट्रोल के तौर पर लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जीवन भर फ्री वो रेलवे में यात्रा कर सकते हैं। उनका जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी सब उनको मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 बार से विधायक का चुनाव जीतने वालों में भाजपा के सुरेश खन्ना, सपा के दुर्गा यादव, जबकि आजम खान 10वीं बार चुनाव जीते हैं। और 2016 में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों की पेंशन को 10,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ा करके 25,000 रुपये प्रति माह किया था। अब मैं बात करती हूँ हिमाचल के। ये मान लीजिए कि चुनाव का जैसे ही जीत होती है वैसे ही विधायक पेंशन के हकदार हो जाते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जैसे ही विधायक बनने का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर विधायक को एक टर्म यानी कि 5 साल पूरा होने पे 36,000 रुपये पेंशन मिलती है। 36,000 रुपये। और इसके बाद एक टर्म पूरा होने के बाद विधायक को 5,000 रुपये उसमें और पेंशन जुड़ जाती है, यानी कि 1 साल का 1,000 रुपया ज्यादा मिलता है। प्रदेश में इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्या स्टॉक्स, पॉल सिंह ठाकुर और गंगूराम मुसाफिर सहित कई पूर्व विधायक हैं जिन्हें अधिक पेंशन मिल रही है, यानी कि उनके बड़े मजे हैं। विधानसभा से जुटाई गई जानकारी के अनुसार विधायकों को पेंशन बेसिक टर्म 65,000 रुपये डीए के साथ मिलता है। अब मैं बात करती हूँ झारखंड की। झारखंड में एक टर्म के विधायक को 40,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है।
और 40,000 रुपए का पेंशन निर्धारित होते ही हर साल उसमें केवल 4,000 रुपए की एडिशनल एड ऑन होता है, उसमें वृद्धि होती है, लेकिन पेंशन की अधिकतम राशि 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। ये एक डिफरेंट वहां पे नियम है। दर्जन भर पूर्व विधायक हैं जिन्हें 1,00,000 रुपए प्रति माह वेतन मिल रही है, पेंशन मिल रही है। और गुजरात, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है, अपने प्रधानमंत्री गुजरात को बिलोंग करते हैं। गुजरात जो है बिल्कुल पेंशन नहीं देता है, सरकारी हॉस्पिटल के जो नियम है उसके अनुसार इलाज के बिल के भुगतान के बाद उनका भुगतान होगा और राज्य परिवहन में जो है मुफ्त यात्रा है, बाकी और उनको कोई इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। तो दोस्तों ये थी नेताओं की मौज, यानी कि उनकी पेंशन, यानी कि उनकी आमदनी। तो आप क्या इस पर सोचते हैं, यानी कि ये फैसला क्या पहले ही लिया जाना चाहिए था जो पंजाब में भगवंत मान ने लिया है, क्योंकि काफ़ी मोटी पेंशन पूर्व विधायकों को मिल रही है। यूपी और एमपी समेत अन्य राज्यों को भी क्या इसी तरीके से करना चाहिए, क्या कहते हैं आप? और जनता की जो ये गाड़ी कमाई है उसको एक तरह से विधायकों को देना या लुटाना एक ही बात है, क्या गलत है ये? ऐसा करके क्या सरकारी खजाने पे बोझ हल्का होगा, ये आप समझते हैं? ये कई सारे सवाल हैं जो मैंने कंटेंट आपके साथ शेयर किया है उसके बाद आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो वाकई में ही मैंने शुरुआत में कहा था कि जो हमारे पेंशनर हैं, पेंशन भोगी हैं, उनका एक तरह से सरकार पे बोझ इतना है कि उतना बोझ जो सैलरी ले रहे हैं उनका भी नहीं है। इन सैलरी का पैसा कम है, कितने तमाम सरकारी कर्मचारी सैलरी ले रहे हैं उस सैलरी से कहीं ज़्यादा पेंशन का बोझ है सरकार पे, ऐसा आंकड़े कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये कंटेंट कैसा लगा, मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। एक और मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक का बेल जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।